आरआईपी सब माइनक्राफ्टी का, आरआईपी सब माइनक्राफ्टी का, आरआईपी सब माइनक्राफ्टी का। यस, मैं इसके बारे में भूला नहीं था, बस इसे इग्नोर मार रहा था। यो व्हाट्सअप गेमर्स, इट्स योर बॉय एपिक, एंड गाइस आज हम लोग दोबारा से खेल रहे हैं सब माइनक्राफ्टी का, जहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ पानी के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, जमीन के ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो मैं इसकी वीडियो इसलिए नहीं डाल रहा था क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा करने को बचा नहीं है सिवाय एक काम के, और वो है एंडर ड्रैगन के साथ चिंता करना। अरे कैसे करते थे, लेकिन उससे भी पहले हम लोग को एंडरमैन के साथ चिंता तक करना पड़ेगा, एंडर पर्ल जो चाहिए उन लोगों से। तो पहले अपने लिए कुछ कुछ हल्का बहुत सामान रख लेते हैं, फिर चलते हैं एंडर पर्ल ढूंढने। तो सामान के तौर पे हम लोगों को चाहिए होगा ढेर सारा वाटर बकेट, इतना काफी है, एंड थोड़ा बहुत खाना, फिर हम लोग का काम हो जाएगा। तो क्या खाना मेरे पास है? ये सस्पिशियस स्टीव है, चलो इसे रख लेता हूँ। इसमें कुछ तो गड़बड़ है दया। पीने के बाद सारे के सारे राज खुल जाएंगे, एंड मुझे नहीं लगता मेरे पास कुछ ज़्यादा खाना वाना है। छोड़ो, ऐसे ही चलते हैं, बस अपने साथ ये बो रख लेते हैं, ये एरो रख लेते हैं, एंड क्या एक्स है मेरे पास, एक्स ये रहा, ये एक्स भी रख लेते हैं, एंड चलते हैं। और एक और बात, तुम में से अभी तक 60% लोगों ने लगभग 60% लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसमें शर्माना कैसे, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब मारो, फ्री का है, जल्दी मारो। तो चलो अब थोड़े बहुत एंडरमैन से भी पंगा ले लेते हैं, या फिर मैं चाहूँ तो एक और काम कर सकता हूँ, विलेजर्स के साथ ट्रेड करके भी एंडर पर्ल ले सकता हूँ मैं। चलो देखते हैं दोनों में से जो आसान रहेगा वही करेंगे हम लोग। तो मेरे ख्याल से इधर कहीं कोई विलेज था जहाँ पे हम लोग पहले भी आ चुके हैं, तो चलो यहाँ वाले विलेज को ढूंढते हैं, एंड मुझे अपने ऑक्सीजन का भी ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं तो दम घुट के ही मर जाऊंगा। और पता नहीं वो विलेज कहाँ चला गया, यहीं कहीं तो मेसा बायोम में था। तो क्या तुम लोगों को यहाँ पे कोई विलेज दिख रहा है, क्योंकि मुझे तो नहीं दिख रहा है। ऑक्सीजन वार्निंग, और मेरा ऑक्सीजन लेवल कम गया है, पानी में घुसना पड़ेगा, घुस जा जल्दी। इस मोड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑक्सीजन, और ऊपर से मुझे भूख प्यास भी लग चुका है। चलो क्यों ना हम लोग ये सस्पिशियस स्ट्यू ट्राई करते हैं, क्या इसमें कुछ गड़बड़ है, वो तो खाने के बाद पता चलेगा। एंड खाने से हम लोगों को नाइट विजन मिल चुका है, तो कुछ गड़बड़ नहीं था दया। अरे यार, लेकिन विलेज तो हम लोगों को दिख गया है। यस, तो इस विलेज से हम लोग के पास खाने का तो इंतजाम हो जाएगा, एंड इन दोनों को देखो अलग ही नैन मटाका कर रहे हैं ये लोग। तो यहाँ से हमारी खाने का तो इंतजाम हो जाना चाहिए, क्या यहाँ पे कोई खाना है, शायद ये खाना ही है, आई एम सॉरी पापी पेट का सवाल है। और यहाँ पे एक चेस्ट भी है, एंड चेस्ट में खाना भी है, तो जल्दी से पेट पूजा करने दो। अरे नहीं, उससे पहले ऑक्सीजन भरने दो, बिना ऑक्सीजन के तो मैं जिंदा ही नहीं बचूंगा। Two very boring minutes later. चलो ऑक्सीजन लेवल 100 हो गया, अब निकलते हैं यहाँ से। तो इतने और खाना है, यस यहाँ पे है ढेर सारा खाना है यहाँ पे। और इस घर में कुछ है, नो कुछ नहीं है, लेकिन फिर से ऑक्सीजन भरना पड़ेगा भाई, ऑक्सीजन बहुत ही जल्दी जल्दी खत्म होता है, ऐसे में तो एंडर ड्रैगन को मारना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और ऊपर से रात भी हो गई है। चलो इन्हीं में से किसी का बेड हथिया लेते हैं, और इधर है बेड, सो जाते हैं। तो इधर एक चेस्ट भी है, एंड चेस्ट में तो ढेर सारे बीट है यहाँ पे। तो अब बस हम लोग को एक क्राफ्टिंग टेबल चाहिए और फिर हमारा काम हो जाएगा। ओ यहाँ पे ये हड्डी कहाँ से आ गया, तो यहाँ पे कोई क्राफ्टिंग टेबल नहीं मिल रहा है, लगता है मुझे एक क्राफ्टिंग टेबल बनाना पड़ेगा। अरे ऑक्सीजन भाई हद हो गई, परेशान हो चुका हूँ मैं इस चीज से, अब बस किसी तरह से एंडर ड्रैगन को टपका दूं ना, तब मेरा काम हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे सही में कोई क्राफ्टिंग टेबल नहीं है, मुझे क्राफ्टिंग टेबल बनाना पड़ेगा, एंड थैंकफुली सामने वो देखो हम लोग को पेड़ पौधे दिख रहे हैं। तो यहाँ से मिल जाएगा हम लोगों को वुड, वुड से मिल जाएगा क्राफ्टिंग टेबल, एंड क्राफ्टिंग टेबल से मिल जाएगा हम लोगों को खाना। फटाक फटाक काम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर से बार बार ऑक्सीजन का सिंबल आता रहेगा। इन सभी को डालो इधर, और ये क्या मतलब, कुछ भी, ऑलमोस्ट मरते मरते बचा हूँ। तो फटाक से पाव भाजी बनाओ, एंड इन सभी को जल्दी जल्दी खा लो।
तो थोड़ा बहुत और खाने का इंतजाम कर लेते हैं, फिर चलेंगे एंडरपल को कलेक्ट करने। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा है एंडरपल को मैं कलेक्ट कैसे करूं, एंडरमैन से पंगा ले लूं या फिर विलेजर से ट्रेड कर लूं, दोनों में से आसान कौन रहेगा? शायद ट्रेड ही करना आसान रहेगा। तो चलो ट्रेड ही करते हैं। सबसे पहले कलेक्ट करेंगे हम लोग ढेर सारे स्टिक और फिर उसका ट्रेड करके हम लोग कलेक्ट करेंगे एमरल्ड एंड फिर एमरल्ड से ले लेंगे एंडरपल। देखता हूँ ये करने में कितना टाइम लगता है। तो गाइज मैंने ढेर सारे ओकलॉक तो कलेक्ट कर लिए हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि रात हो चुकी है बाहर। अरे नहीं क्रीपर नहीं, दूरहट दूरहट दूरहट, और मुझे कहीं पे एंडरमैन दिख नहीं रहा है, बस हड्डी बड्डी दिख रहा है। तो इन सब से पंगा लेने का फायदा होगा नहीं, फालतू का मैं डैमेज खाऊंगा। एंडरमैन दिख जाए तो बात अलग है। तो चलो डील करने चलते हैं। लेकिन गाइज हम लोग को एंडरमैन दिख चुका है, क्या ये हम लोगों को एंडरपल देगा? देखते हैं भाई, प्लीज एंडरपल दे दे, एंडरपल दे दे, दे देना प्लीज दोस्त ना, दे दे। ना नहीं दिया, हमेशा की तरह इसने कंजूसी भी की है, इसीलिए मुझे डीलिंग करना ही सही लग रहा है, क्योंकि एंडरमैन तो जल्दी एंडरपल देंगे नहीं मुझे। तो चलो कोशिश करता हूँ डीलिंग करने की, एंड इस बेचारे गोलू का क्या हाल हो रखा है देखो। अरे भाई डरा दिया उस क्रीपर के बच्चे ने। सही में ये क्रीपर लोग कुछ ज्यादा ही पगलेट होते हैं, जब देखो आके बूम बैम करते रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता हम लोग को एंडरमैन से काम बनेगा, तो हम लोग को ट्रेडिंग ही करना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले बना लेते हैं हम लोग अपने लिए फ्लेचिंग टेबल एंड सेट। यार इसके लिए हम लोगों को फ्लिंट चाहिए होगा, अब फ्लिंट ढूंढना पड़ेगा मुझे। होपफुली हम लोगों को फ्लिंट कहीं पे मिल जाए, एंड फ्लिंट तो नहीं मिला, बट ये ओशियन मॉन्यूमेंट मिल चुका है। एंड ना मैं इसे नहीं चेक करने वाला, कुछ खास तो मिलता नहीं है इसमें मुझे। तो चुपचाप चलते हैं फ्लिंट ढूंढने, आई होप कि हम लोगों को यहाँ कहीं पे फ्लिंट मिल जाए। एंड शायद ये ग्रावल है ना, यस ये ग्रावल है, एक फ्लिंट मिल गया है, नाइस। दूसरा फ्लिंट नहीं मिला, प्लीज यहाँ से फ्लिंट मिल जा भाई, प्लीज फ्लिंट मिल जा, नोप नहीं मिल रहा है। बस एक और फ्लिंट चाहिए, एक और फ्लिंट, एंड यस मिल गया मुझे। तो चलो अब हम लोग फ्लेचिंग टेबल भी बना सकते हैं, फ्लेचिंग टेबल की मदद से हम लोग एमरल्ड पा सकते हैं ढेर सारे, और फिर एमरल्ड के बदले हम लोग एंडर पल का डील कर लेंगे। तो चलो ये विलेजर को ट्रैप कर देते हैं और इसे दे दूंगा मैं ये फ्लेचिंग टेबल, फिर ये गधेड़ा स्टिक के बदले मुझे ढेर सारा एमरल्ड देगा। और भाई ये ऑक्सीजन कब मेरा पीछा छोड़ेगा? इस जन्म में तो कभी नहीं छोड़ेगा। तो भैया जी जल्दी, क्या आप बन चुके हो फ्लेचर? यस। तो ये देखो ये स्टिक के बदले मुझे ढेर सारा एमरल्ड देगा। और आप ये करना क्या चाह रहे हो, ऐसे जंपिंग जपैक? पहले मुझे अब स्टिक भी ढेर सारा बनाना पड़ेगा, STICK। और ये देखो मैंने कितने सारे स्टिक बना लिए हैं। तो चलो भैया करो अपना काम, दो बदले में मुझे ढेर सारे एमरल्ड, और फिर हम लोगों को एक क्लेरिक वाला विलेजर भी चाहिए होगा। तो टोटल मिल चुके हैं हम लोग को 12 एमरल्ड। तो क्लेरिक वाले विलेजर के लिए हम लोगों को चाहिए होगा ब्रूइंग स्टैंड, एंड इसके लिए ओ शिट ब्लेजर चाहिए होगा, वो तो मेरे पास है नहीं। What the hell man, this is not fair। अब मुझे अपने घर जाना पड़ेगा भाई, ये नाइंसाफी है, अब मुझे सही में अपने घर जाना पड़ेगा वापस, क्योंकि ब्लेजर तो वहीं पे है। तो चलो वापस अपने घर चलते हैं, और कर भी क्या सकते हैं हम लोग। और क्या मैं इस डेजर्ट टेम्पल को रेड कर लूं? बार बार मुझे ये दिख रहा है, चलो रेड ही कर लेता हूं। तो भैया इसका एंट्रेंस कहाँ है? ये रहा, एंड ठीक है आराम से मुझे काम करना है। अरे अरे प्रीपर प्रीपर हड्डी बड्डी कहाँ से आ गए यहाँ पे? भाई देख परेशान मत कर। अरे यार ऑक्सीजन भी चाहिए होगा हम लोगों को। अरे नहीं ऑक्सीजन नहीं चाहिए था, फिर भी मैं डर गया था। एक साथ क्रीपर भी आ गए, हड्डी भी आ गए, एंड मेरे पास ज्यादा खाना नहीं है। अरे एक क्राफ्टिंग टेबल तो है ही, ब्रेड तो बना ही सकते हम लोग, टोटल 23 ब्रेड बना पा रहे हैं हम लोग, चलो ठीक है। तो आई होप कि यहाँ का खजाना ब्लास्ट ना हुआ हो, एंड थैंक गॉड ब्लास्ट नहीं हुआ है। अगर ब्लास्ट होता ना तो मैं माइनक्राफ्ट के सारे क्रीपरों को ब्लास्ट करवा देता। चलो देखते हैं यहाँ पे कुछ खास है, एमरल्ड है ठीक है, डायमंड हॉर्स आर्मर है नहीं चाहिए, TNT रख लेता हूँ, गोल्ड भी रख ही लेता हूँ, इस साइड कुछ फिर से एमरल्ड है, चलो ये भी रख लेता हूँ, और इस साइड कुछ खाली है, एंड इस साइड कुछ। ओ गाइस
हम लोगों को मिला है यहाँ पे इंचेंटेड गोल्डन एप्पल। पूरे माइनक्राफ्ट की सीरीज में मुझे ये पहला इंचेंटेड गोल्डन एप्पल मिला है, ना ही मेरे माइनक्राफ्ट सर्वाइवल वर्ल्ड में मिला है, ना ही किसी और वर्ल्ड में मिला है। तो पहली बार मुझे ये गोल्डन इंचेंटेड एप्पल मिल रहा है। मैंने सुना ये बहुत ही ज्यादा रेयर, मतलब कुछ 0 point something इसका चांस रहता है मिलने का। अच्छा हुआ मैंने ये डेजर्ट पिरामिड रेड कर लिया एंड मैं इसे इग्नोर मार रहा था। तो अब मुझे फिर से 5 मिनट लगेंगे अपने घर पहुंचने में एंड हम लोगों को एक और विलेज दिख गया गाइज। और रुक जाओ, कहीं गलती से भी अगर यहाँ पे एक ब्रूइंग स्टैंड मुझे मिल गया तब तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। चलो यहाँ पे आ ही गया हूँ तो देख ही लेता हूँ। एंड यहाँ पे एक चेस्ट है एंड इसमें भाई कुछ ज्यादा ही मटन बिरयानी है यहाँ पे। इन लोगों को कितना मटन बिरयानी पसंद है, पूरे चेस्ट में यही भरा पड़ा था। तो प्लीज यहाँ पे कोई क्लेरिक मिल जाना, क्लेरिक मिल जाना, क्लेरिक मिल जाना। एंड इधर कुछ है, ओ भाई ये कौन है, भाई तू कौन है और कौन से गड्ढे में घुसा हुआ है, निकलने दो मुझे यहाँ से बाहर। पता नहीं ये बकलोल कहाँ छुपा हुआ था। तो यहाँ पे कोई क्लेरिक होगा, मतलब इस वाले विलेज में तो क्लेरिक मिलता है मुझे, कोई तो क्लेरिक मिल जा। कहीं पे कोई भी नहीं है क्लेरिक, कहीं ना कहीं तो क्लेरिक मिल जाना चाहिए मुझे यहाँ पे। मुझे याद है इस वाले विलेज में क्लेरिक रहता है। ढूंढता हूँ, पहले खाने का इंतजाम भी कर लूँ, जब इतने सारे खाने फ्री में मिल रहे हैं तो क्यों ना कलेक्ट कर लूँ मैं। तो इधर कोई क्लेरिक, अरे ओह यस मिल गया मुझे ब्रूइंग स्टैंड, मतलब कोई क्लेरिक भी यहाँ पे जरूर होगा। अब बस हम लोग को उससे डील करके ढेर सारे अपने लिए एंडर पल लेना पड़ेगा। करेंगे वो भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये ऑक्सीजन तो भर जाए। तो गया कहाँ ये क्लेरिक वाला विलेजर, मुझे दिख नहीं रहा है। शायद ये है सेफर्ड है, ये क्लेरिक नहीं है। तो पता नहीं ये क्लेरिक कहाँ सो रहा है, शायद यही क्लेरिक क्या लग तो रहा है देखने में यही। ओए उठ जल्दी उठ तो गया, कहाँ गया, अरे उठ के कहाँ भाग गया, बाहर गया है शायद। क्लेरी कहाँ है, अरे ये अंदर कैसे आ गया। भाई ये लोग जादूगिरी कुछ ज्यादा ही करने जानते हैं। तो भैया अब डील करने का टाइम आ चुका है, पहले मुझे इसे अपग्रेड करने पड़ेगा। तो क्या ये अपग्रेड हो रहा है, वही जल्दी अपग्रेड हो। हाँ ये देखो अपग्रेड हो रहा है, इससे पहले मुझे एक्सपर्ट लेवल तक पहुँचाना पड़ेगा, तब मुझे ये जाके एंडर पल देगा। मुझे कम से कम 15 to 20 एंडर पल चाहिए, तो ट्रेडिंग ही करना सबसे आसान रहेगा। तो अब देखते हैं इसके पास क्या क्या डील है एंड इसके पास फिर से एमराल्ड का डील है। तो मुझे यहाँ पे बैठ के इसके साथ डील करता रहना पड़ेगा और वो करूंगा मैं अगले एपिसोड में, क्योंकि आज के लिए बहुत ज्यादा डील कर लिया मैंने। एंड खास बात यह कि मुझे एक इंचेंटेड गोल्डन एप्पल मिल चुका है जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। तो इसी बात पे इस वीडियो पे लाइक मारो और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब मारो। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।